ओ बेटा बिल्लू, अरे जल्दी चलो यार, अपने वो लौड़िया बाद चाचा का डेथ हो गया है मित्र। बहुत बड़े लौड़ियाबाज थे। लौड़ियाबाज नहीं, निशानेबाज। अंतर इसी तरह है लौड़ियाबाज और निशानेबाज में, दोनों में तो बाज ही है, लौड़िया हो या निशाना। तो नमस्कार दोस्तों, ना यूपी में, ना बिहार में, ना जिला में, ना जवार में, स्वागत है आपका। तो स्वागत है आपका सोनू पत्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौत जो होती है वो अनिश्चित होती है, वो जरूर आती है, और जो पैदा हुआ है उसे गांड फाड़ के मरना ही है। अबे रिपोर्टिंग कर रहे हो कि गाली देने? अरे कैमरामैन चुप रहो, गाली का क्या, सॉरी। तो गालियों के लिए क्षमा चाहते हैं, गालियों के लिए खेद है, और जो मरा है उसके पीछे दुद्दू को छेद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौत परम सत्य है, तो हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के लौड़ियाबाज थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अरे भाई लौड़ियाबाज नहीं, वो निशानेबाज थे। हमारा यार कैमरामैन, यार तुम मेरा हिंदी सही करने आओ यार, रिकॉर्डिंग करने आओ, रिपोर्टिंग करो यार, मेरा भाग जाने कैमरा मैन पे। अरे गुस्सा ना करो, चलो स्टार्ट करो। तो ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौड़िया नहीं लौड़ियाबाज ने निशानेबाज थे, बहुत ही गजब क्वालिटी के। तो यहाँ पे उनकी अंतिम यात्रा में हम देख रहे हैं सैकड़ों में लोग आए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं लोगों के उनके बारे में क्या राय है। तो चलिए हम भी थोड़ा उनसे मिल लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं इनके पास। और काजी बड़ा निश्चिंत होकर पुअर आप सो रहे हैं, तो खैनी नहीं बनाइए महाराज। अरे महाराज मर गए हैं, कहां से खैनी बनाएंगे ये। यही लौड़ियाबाज थे जो मर गए हैं। हाँ। अच्छा काजी निपट गए। बोल नहीं रहे। अच्छा मर गए ना, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये आपके पिताजी थे क्या? अरे पिता उताजी कुछ नहीं थे। तो फिर काहे रो रहा भैया? अरे हम सोच रो लेंगे तो भोज में दो गुलाब जामुन बेसी दे देंगे। क्या बात करते हैं जी, जैसे देख सकते हैं आप सभी, ये प्रभु का इनका कोई रिश्ता नहीं है, गुलाब जामुन के लिए रो रहा है। वाह भाई वाह। तो चलिए थोड़ा आगे अपना कैमरा उठाते हैं, तो निपट लिए हैं, दो चार लोगों से और बतियाते हैं, आइए। तो अभी हम आ चुके हैं इनसे मिलने, देखिए कितना बढ़िया से बैठ के अगरबत्ती ताप रहे, ठंडी में निपट गए हैं ना, तो अगरबत्ती से काम चला रहे थे। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या भैया का हाल चाल है? अरे बढ़िया है, ठंडा बहुत ज्यादा है। हाल चाल बढ़िया है, मतलब मरनी में आए हैं बैठ के बोल रहे हैं, हाल चाल बढ़िया है। तो हम थोड़ी ना मरे हैं, मरे हैं ये। कौन लगते थे आपके? पत्रकार है काजी आप? हाँ भैया। ये लाइव आ रहा है, देखिए कैमरा देखिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कैमरा का नाम लेने से पहले ही बैठ के कौड़ा ताप रहे थे अगरबत्ती का, और कैमरा के नाम लेते लेते इनके ताऊ जी का याद आ गया, रोने लगे। अच्छा भैया आइए आइए, इधर आइए आइए, आप इधर आइए, ज्यादा ठंडी में लग रहे हैं आप। ठंड तो पड़ी रही है। अच्छा रोना बंद करिए, आराम से बैठ जाइए, हम भी बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए, आने दीजिए आने दीजिए। तो भैया देखिए, हम सुने हैं कि जो मरता है उसके सिरहाने नहीं बैठते हैं, लेकिन देखिए क्या बताए लौड़ियाबाज। ओह सॉरी, ओए कैमरामैन कुछ बोलना नहीं, हम पहले समझ गए निशानेबाज थे ना। तो देखिए जैसा कि मर चुके और अभी इनके भतीजे बैठे हैं यहाँ पे, ताऊजी करके रो रहे थे। काजी अब दिल से एक चीज आपसे पूछे, बताएंगे? जरूर जरूर पूछिए। ई बताइए आप काहे रोने लगे कैमरा देख के? बड़का टीवी में आएगा ना जी, तो लगना चाहिए ना लोगों को कि भतीजा इनका तकलीफ में है। अच्छा जी, तो भतीजा तकलीफ में दिखाने के लिए भैया रो रहे थे। रुकिए रुकिए, तकलीफ तो इनके खुद के बेटे की नहीं है। अच्छा जी, इनका बेटा कहाँ है? वो किनारे बैठे हैं। अच्छा तो चलिए कैमरा मैन थोड़ा उनके बेटे से बात कर लेते हैं, ठीक है भैया? आप आग का मजा लीजिए। हाँ। एकदम मजा लीजिए चांदी का। तो चलिए उनके बेटे से आपको हम मिलवाते हैं, आ जाइए कैमरा मैन। उधर देखिए, उधर उनके पिताजी मरे हैं, इधर जानू सोना बाबू से बातें चल रही हैं। चलिए थोड़ा हम भी देखते हैं, आइए आइए। खनन हो गया आपका? हाँ जी हाँ जी, बोलिए क्या जी? कौन है आप? अरे भैया हमारा छोटा है क्या भैया?
हाँ बाबू देखिए कैमरा में लाइव चल रहा है। अरे हमारे पिता देख रहे हैं एक से नौ टन की बाज आए हैं यहाँ अंतिम यात्रा में प्रभु। अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, अरे इतना रो रहा है, बहुत ज्यादा दुख है क्या आपको? क्या बताएं, बहुत दुख है। कैमरा बंद करवा दे दो मिनट के लिए। हाँ भैया बंद करा दिए दो मिनट के लिए, काम है आपसे बात करना है ना। कैमरा बंद कर दीजिएगा। बंद नहीं करिएगा, चालू रखिए चालू। कैमरा भी बंद हो चुका है आपको? हाँ, दुख है? दुख भैया 1% का नहीं है। अरे क्या बात करते हैं, आपके पिताजी मर गए आपको दुख नहीं है? नहीं है भैया, हमको दुख नहीं है। अच्छा कहाँ है? हमारे प्यार के बीच में एक बाधा थे, टोल गए मतलब खत्म हो गए। हाँ। हाँ, अब बाबा जाएंगे, अब फूक उक आएंगे बढ़िया से, अब बर्फ बोझ खिलाएंगे सबको। अच्छा अभी आ जाइएगा, बुलाएंगे हमको? अरे कहे नहीं बुलाएंगे, देख लीजिए हमको दो गुलाब जामुन चाहिए। आपको देंगे, अभी कैमरा मैन ले लेगा। है कैमरा मैन इनका वाला, ये वाला जो वीडियो बनाने के लिए बोले थे ये बंद कर दो है, वीडियो मत बनाना, एक दो गुलाब जामुन देंगे। बना रहे थे क्या भैया? अरे नहीं मतलब आप टेंशन मत लीजिए, हम डिलीट करवा देंगे। डालिएगा मत। नहीं नहीं हम डिलीट करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मरने के दुख से ज्यादा इनको प्यार की खुशी है भैया। कोनो बात नहीं, अपना अपना अंदाज है भैया, हमको क्या करना, हमको तो दो गुलाब जामुन, हमको और दो गुलाब जामुन कैमरा मैन का फिक्स हो चुका है, तो आप समझिए। चलिए थोड़ा अड़ोस पड़ोस वालों से भी बात कर ले। ए कैमरामैन वो देखो भैया रो भी रहे, खैनी बना रहे, तो चलिए उनसे बात करवाते हैं, आइए। तो चलिए भैया से खैनी भी मांग लेंगे, बात भी कर लेंगे, खैनी का जुगाड़ हो गया। कैमरामैन तुम भी खाएगा? हाँ ठीक है आ जाओ। तो हाँ भैया बताइए, ये आपके कौन थे? आपके बहुत करीबी थे क्या ये? रिपोर्टर है का जी? रिपोर्टर है, हमारा नाम ये सोनू पत्रकार। देखिए हमारे सामने रिपोर्टिंग वोटिंग छोड़िए, अगर खैनी वही नहीं करना है तो बताइए, लाइव चल रहा है ना। ओए कैमरामैन बढ़िया से फोकस करना। तो देखिए भैया था ऐसा कि हमारे बगल के चाचा जी थे और इनका जो बेटा है बहुत बड़ा लड़चट है, जान लीजिए भैया बहुत बड़ा लड़चट है। अगर हम नहीं रोएंगे तो गुलाब जामुन ले देगा साला, भोर में भोज के दिन चूरा दही खिलाएगा पूरी सब्जी, इसलिए रोना पड़ता है। आपको क्या पता भैया गांव समाज में बहुत कुछ होता है। खिलाएंगे तो क्या नहीं खाएंगे, खैनी खाने तो आपके पास आए। रिपोर्टिंग तो बाद में, हम और कैमरा मैन सिर्फ खैनी खाने आए हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ई रो रहे हैं बैठ के कि पड़ोसी हैं, नहीं रोएंगे दिन को गुलाब जामुन नहीं देगा। बाप रे यह सब पूरी तरकारी और गुलाब जामुन के चक्कर में रोने में पड़ा है। चलिए और बात कर लेते हैं, चलाइए भैया दीजिए। चलिए आप रोने में बिजी रहिए। कैमरा मैन तुम्हारा ऐसा तो नहीं मिला जी, बाद में खा लेना, चलो पहले उनसे बात करते हैं। देखिए एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, काहे रो रहा है थोड़ा उससे ही पूछ ही लेते हैं भाई। और बाबू क्या हाल है? अरे बहुत रो रहे हो मित्र, काहे रो रहे हो इतना? पता नहीं सब रो रहे थे, हम भी रोने लगे। देख रहा है जी कैसा कैसा घोर कलयुग आ रहा, सबको रोता हुआ देख के लड़का रोने लगा है। बता दीजिए काहे सब रो रहे हैं? हम बता दें? तो देखिए भैया जो आपके गांव के बहुत बड़े निशानेबाज थे राष्ट्रीय लेवल के ना, उनका देहांत हो गया है इसलिए लोग रो रहे हैं। अरे दादा आपको इतना ज्यादा दुख हो रहा है का जी? गांव के इतना दुख तो हो ही गया ही ना, फिर भी इतना दुख सुनना तो पड़ेगा ही ना, तो भोज नहीं मिलेगा। oh, oh, देखिए कैमरा में यहाँ जितने लोग आए भैया सब गुलाब जामुन पूरी सब्जी और दही चूड़ा के चक्कर में आए हैं। अंतिम यात्रा से किसी सा लेना लेना नहीं है, एको कूलर में बैठ के सुरती बना रहा है, तो कोनो बैठ के अगरबत्ती पे आ गई ताप रहा तो उसका खुद का लड़का लौड़िया बाजी कर रहा है, बोल रहा है बाबू सामने से बादाम हो गई जिंदगी सादा। देखिए कैमरा मैन हम लोगों का यहाँ कोनो काम है, चलिए यहाँ से निकलते हैं बाबू, सब गुलाब जामुन के लड़चट है। तो जैसा कि आप जानते हैं यही है इनकी अंतिम यात्रा। ए कैमरामैन चलो। ओ विशाल बना गिरे इधर आ, इस कैमरामैन और पत्रकार को छोड़ना नहीं यार, बहुत तरीका बहुत ज्यादा बोल रहा है। अरे कैमरामैन भाई मुआ देखा सुन रहे हो?
अरे बाबा जान बचा। हे पत्रकार, आज के बाद ऐसी जगह पर हमको मत लेकर आना। अरे बाबू कोनो बात नहीं, चलो ये सब तो होता रहता, जिंदगी है, जिंदगी का खेल है, अंतिम यात्रा है, ऐसा नहीं होता है। अरे चलो। तो ये था हमारे लौड़ियाबाज, ओह सॉरी, निशानेबाज चाचा का अंतिम यात्रा। हेलो गाइस, तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।